आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस मुस्कान के साथ। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटका की खबरों से। कांग्रेस को लगातार मिली हार और राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने से अब पार्टी के कई नेता अपने ही साथियों के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खारगे और मुंबई के कदवार नेता संजय निरुपम के बीच में पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसके बावजूद खारगे का मानना है कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खारगे ने कहा, कांग्रेस पार्टी 130 वर्षों की सुदीर्घ परंपरा है। हमारी पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय कलबुर्गी में उन्होंने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन जाता है तो वो पुराना है या नया, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लिहाजा कांग्रेस में पुराने कांग्रेसी या नए कांग्रेसी के बात पर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने कई दशकों के राजनीति जीवन में उन्होंने किसी भी पद के लिए लॉबिंग नहीं की है। ऐसे में किसी को पद से हटाने या बिठाने पर उनकी कोई भूमिका नहीं है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधान सभा के टिकट बंटवारे में उन्होंने किसी का टिकट नहीं काटा है। ऐसे मामलों में पार्टी आला कमान का फैसला सर्वपरे होता है।